जलौटते हैं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवनसाथी.com के माध्यम से मुलाकात कर युवती ने ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, युवती से ठगी करने का मामला शादी.com से युवती से पहचान बनाकर लगातार मिलता जुलता रहा। युवती बता रही है कि उसका संपर्क जीवनसाथी वेबसाइट के माध्यम से परम सवा लाख नामक व्यक्ति से हुआ। उसने स्वयं को NHI नागपुर में कार्य करना बताया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसका फायदा उठाकर आरोपी मिलने रायपुर आया था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर अपनी दादी और पिता के उपचार कराने और देहांत होने की बात कहकर लाखों रुपए की मांग की। कुछ दिनों पश्चात प्रार्थिया द्वारा परम सवा लाख से अपने पैसे वापस मांगने पर वह पीड़िता का पैसा लौटाने के लिए टाल मटोल करता रहा। प्रार्थिया को शक होने पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच पता चला कि परम सवा लाख ही शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है और उसकी दादी पिता जीवित हैं और ना ही वह NHI नागपुर में कार्यरत है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी परम सवा लाख के विरुद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। के द्वारा शिकायत दर्ज करी थाना तेलीबांधा के अंतर्गत कि उसमें जीवनसाथी.com के द्वारा परम सवा लाख नाम के व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ था। वह कई बार रायपुर में उनसे मिलने आया और कई बहाना करते हुए लगभग उसे 7 से 8 लाख रुपए की ठगी किया। जब प्रार्थी के द्वारा उससे पैसे मांगा गया तो कई गोलमोल बातें करने लगा, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध थाना में किया गया था 420 के तहत, जिस पर से नागपुर से उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड भेजा गया। सर, प्रार्थी क्या पैसे, इसमें जो बात सामने आ रही है वो कई बहाने करता था कि घर में मेरी किसी ज़रूरत है और मैं NHI में काम करता हूँ। इस प्रकार से कई बार उनको शादी का प्रलोभन दिया और इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा कई छोटे छोटे किस्तों में उसे पैसा दिया गया। तो इसमें फिर उसे कुछ दिन बाद लगा कि यह कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। जब प्रार्थी द्वारा उसे जाँच किया गया तो पता चला कि ऐसा उसका कुछ नहीं है, ना ही इसमें कुछ शायदशुदा है। इसके बाद जो थाना तेलीबांधा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध